राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूं है कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें समस्त वृंदावन में ढूंढ रही हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्यों ढूंढ रही हो? जब राधा यही बात भूल गई है कि कृष्ण यहीं छिपेगा और कहाँ छिपेगा, यमुना तट पर राधा कृष्ण का वो प्रिय स्थान, यदि यही बात राधा भूल गई है तो कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है? जाओ, एक तो समस्त वृंदावन में ढूंढो, लोगों से पूछो और यहाँ पर आकर तुम्हारे ताने सुनो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इसकी भी क्या ही आवश्यकता है राधा, जब कृष्ण के साथ रहना ही नहीं है, वहाँ जाके गोपियों का श्रृंगार करना है तो कृष्ण को अकेला ही छोड़ दो, यही उचित होगा। कृष्ण रह लेगा अकेला, कोई बात नहीं। और फिर राधा कहती है, अच्छा कृष्ण, ये अभिनय करना बंद कर दो। और कहती है, अच्छा मैं कृष्ण के बिना कहीं नहीं जा रही, बल्कि गोपियों का भी श्रृंगार नहीं करूंगी, अपितु कृष्ण के हाथों स्वयं का श्रृंगार करवाऊंगी, यही तुम्हें प्रिय है ना? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम गोपियों के पास जाओ और उन्हीं का श्रृंगार करो। और फिर राधा कहती हैं, ठीक है, यदि तुम अभी भी अप्रसन्न हो तो मेरा बनाया सारा सात श्रृंगार पुष्पहार में बांट दो, ना स्वयं धारण करूंगी और ना ही किसी को प्रयोग करने दूंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, ये उचित नहीं होगा, राधा पुष्प धारण करती है, संसार को ज्ञात है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, यदि राधा पुष्पों का हार बनाए और सब में बांटना पड़े तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा था कि उपयोग के प्रेम के कारण कहीं तुम कृष्ण को तो नहीं भूल गई। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा था कि गोपियों के प्रेम के कारण कहीं तुम कृष्ण को तो नहीं भूल गई। और फिर राधा कहती हैं, जिस दिन राधा कृष्ण को भूल जाए वो दिन संसार में अंतिम दिन होगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अब वो पत्र ला दो, वो मालाएं ला दो जो तुमने गोपियों के लिए बनाई है, मैं उन तक पहुंचा देता हूं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्याम कहता है, ये बानर तो अत्यंत ही शक्तिशाली है और तो और ये अपनी सेना भी ले आया है। और फिर दुविध कहता है, बलराम मुझसे लड़ने का कोई लाभ नहीं, और कहता है, मुझसे जीतना असंभव है, परंतु एक अवसर देता हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे गोपियाँ दे दो, अन्यथा द्वारिका का अंत निश्चित है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, एक कन्या के सम्मान के लिए द्वारिका का प्रत्येक योद्धा अपने प्राण निछावर कर देगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, दिवित कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा बलराम। और फिर असुर कहता है, अब विध्वंस होगा, उसके पश्चात ही गोपियाँ हरूंगा मैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, संदेश वाहक कहता है, महारानी रुक्मणी की जय हो, और बताता है, शाम की सेना युद्ध स्थल पर पराजित हो गई है, वो दानव अत्यंत ही शक्तिशाली है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, रुक्मणी कहती है, गोपियों तुम सब चलो मेरे साथ, गोपियों, और बताती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, चलो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी कहती है, देखो गोपियों, तुम लोग इस गुप्त द्वार से बाहर चली जाइए। और फिर गोपियां कहती हैं, कदापि नहीं। और फिर गोपियां कहती हैं, हम सुरक्षित स्थान पर नहीं जाएंगे। और फिर रुक्मणी कहती है, मुझे समझने का प्रयास कीजिए। और फिर गोपियां कहती हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और कहती है, उनको हमारा संदेश दे देना, वो अवश्य आएंगे हमारी रक्षा के लिए। दिवित कहता है, कहाँ है गोपियाँ, स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे कारण द्वारिका के एक एक मनुष्य का अंत होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, इस असुर से मैं अकेले ही लड़ूंगा। दिवित रुक्मणी और रेवती को उठा लेता है अपने हाथ में, और फिर कहता है, बलराम यदि एक प्रहार और भी किया मुझ पर तो मैं इन दोनों का अंत कर दूंगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ठीक है, और अपने अस्त्र छोड़ देते हैं, किंतु इसके बदले में तुम्हें रुक्मणी और रेवती जी को। और तभी दुबी दादा तब कहता है, शीघ्र ही गोपियों को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो और मैं उन्हें ले जाऊंगा और यदुकुल की स्त्रियों को मैं लौटा दूंगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, एक ऐसा धर्म संकट है, एक और मेरी धर्म पत्नी और मेरे काना की धर्म पत्नी है, और दूसरी और गोपियाँ, और इन सभी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, गोपियों के प्राण तो संकट में नहीं जाने दे सकता मैं।
किंतु रुक्मणी और रेवती जी के भी प्राण बचाने होंगे मुझे, और कहते हैं मुझे इसे कुछ समय बहलाना होगा जिससे कि समस्त गोपियां भाग सकें। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, देखो दुबित, तुम गोपियों को नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि समस्त गोपियां यहां है ही नहीं, वो सब यहां से जा चुकी हैं इसीलिए। और तभी गोपियां कहती हैं, हम सब कहीं नहीं गए, हम सब यही हैं। और तभी रुक्मणी कहती है, क्यों लौट आई आप सब गोपियों? और फिर बलराम दाऊ भी कहते हैं, हाँ गोपियों, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? और तभी गोपियां कहती हैं, आप सब हमारे कारण यहाँ संकट में हो और आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं। और फिर गोपियां कहती हैं, दुबित दानव, हम तुम्हारे साथ चलने को सज्ज हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं गोपियों, तुम सब गुप्त मार्ग की ओर लौट जाओ, मैं इस दानव को रोकता हूँ किसी प्रकार। देखो हमें हमारे कर्तव्य को निभाने दो, लौट जाओ इस समय। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तुम सब कृष्ण की गोपियां हो, तुम्हारे प्राण संकट में नहीं जा सकते। और फिर गोपियां कहती हैं, कृष्ण की गोपियों का धर्म है कृष्ण के परिवार की रक्षा करना, इसीलिए हम सब ने निर्णय किया है, हम सब इस दानव के साथ जाएंगे। और तभी दुबित कहता है, इसे देखकर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है, कृष्ण गोपियों को छुड़ाने आएगा और मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, रेवती जी, रुक्मणी। और तभी संदेश वाहक दाऊ के पास आता है। और तभी दुबित कहता है, कौन हो तुम, किसका संदेश लाए हो? और फिर संदेश वाहक कहता है, राधा कृष्ण का संदेश है गोपियों के लिए। और फिर दुबित कहता है, रुक जाओ, और कहता है, सैनिक संदेश पढ़ो क्या लिखा है। और फिर सैनिक पढ़ता है, पुष्पहार भेजे हैं और कहा है राधा कृष्ण उनका स्मरण कर रहे हैं। और तभी गोपियां कहती हैं, कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे हैं। और फिर दुबित कहता है, मैं कृष्ण को संदेश भेजूंगा और यहाँ बुलाऊंगा। और कहता है, सैनिकों, प्रमाण के लिए कृष्ण की गोपियों के आभूषण भी संदेश के साथ भेज दो, ले जाओ इसे, यही कृष्ण को गोपियां प्रिय हैं, तो यहाँ आए और मुझसे रक्षा करें उनकी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी संदेश को पढ़ते हैं और आभूषण भी देखते हैं गोपियों के, अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण देखो मैं तुम्हारे लिए माखन लाई हूँ। और फिर तभी राधा कहती है, क्या हुआ, किसका संदेश है? और तभी राधा भी उस संदेश को पढ़ती है और मटकी नीचे गिर के टूट जाती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और यदि मित्रों आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।